परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जिस प्रकार सपा सरकार में नकल आम बात होती थी, उसी प्रकार भाजपा सरकार में भी पेपर लीक होने से यूपी में शिक्षकों की भर्ती के लिए आज की उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET का रद्द हो जाना अति गंभीर मामला है और करीब 21 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ उचित नहीं। यूपी सरकार इस ताजा घटना को पूरी गंभीरता से लेकर इसकी अति शीघ्र उच्च स्तरीय जांच कराए एवं दोषियों को सख्त कानूनी सजा सुनिश्चित करे तथा आगे यथाशीघ्र इस परीक्षा को सुचारू रूप से कराने की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करे। बीएसपी की ये मांग है।